वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेंबर्स? दिस इज़ मी गोल डायरेक्टर मरियम साबिर फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया कि हाउ कैन यू सेटअप योर बिजनेस व्हाट्सएप, उसके अंदर मैंने मैंशन किया था कि अगर आप लोगों को जो है वो सेलिंग का लिंक चाहिए, वो ठीक है कि भाई वो कैसे बनाते हैं, यू नो यू वॉन्ट टू गेट टू नो हाउ कैन वी क्रिएट आर ओन पर्सनल शेयर एंड अर्न भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें ओरिफ्लेम में, या फिर सेलिंग लिंक, तो वो कैसे बनाते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे ऐड किया हुआ है अपना, अभी यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। ये मेरी बिज़नेस प्रोफाइल है, ये देखिए यहाँ पे दो लिंक्स ऐड हैं। एक तो ये मेरा है जो कि रिक्रूटमेंट लिंक है, जिससे कोई भी मेंबर अगर मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहता है और वो मेरी बिज़नेस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है मुझे, ठीक है, तो मैं अवेलेबल नहीं होंगी, उसको एक मेरा मैसेज आएगा, तो वो डेफ़िनेटली अगर विलिंग है तो मेरी प्रोफाइल ज़रूर देखेगा, मतलब उसको इंटरेस्ट फील होगा। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, खुद को एक्टिवेट कर लेगा एज अ ब्रांड पार्टनर। बट ये तो ऑलरेडी मेरे पास, यू नो, मैं अपनी प्रोफाइल खोल के बैठी हूँ ना, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। अदरवाइज़ अगर मैं ये किसी और मोबाइल से खोलूँगी तो ये ब्लू लिंक्स शो होंगे उनको, दो, ठीक है। और ये एक्चुअली हम सिर्फ दो ही ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते अभी तक। अब दूसरा लिंक जो है वो मैंने डाला हुआ है शेयर एंड अर्न वाला, जिससे मेरी, यू नो, ओरिफ्लेम की जो मेरी एज अ ब्रांड पार्टनर मेरी जो अपनी एक आईडी है वो ओपन हो जाती है, जिससे कोई भी मेंबर, सॉरी, कोई भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो क्या होगा कि मेरे ऑटोमेटिकली ओरिफ्लेम ऐप में बिजनेस बन जाएंगे, ठीक, बिजनेस वीपीज बन जाएंगे, और वो मुझे शो भी हो जाएंगे, और उसका प्रॉफिट भी आफ्टर 1 वीक मुझे जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये दो लिंक्स बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हो, फेसबुक ऐड कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं अभी तक मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया, पता नहीं उसमें ना कोई इशू हो गया। खैर, वो इंशाल्लाह मैं जल्दी ऐड कर लूँगी, अभी मैं बाकी चीज़ों में लगी हुई थी, वरना मैंने अभी अपनी बिजनेस व्हाट्सएप भी, यू नो, प्रोफाइल भी अभी मज़ीद सेट करनी थी, वो इंशाल्लाह मैं ऐसा ऐसा कर लूँगी। अब क्या हुआ कि कल मैं वीडियो बना रही थी, उस वक्त जब मैंने ये वीडियो बनाई ना, तो मैंने ये कहा था कि हम जब यहाँ पे कैटलॉग अपनी सेट कर रहे होते हैं ना, तो कैटलॉग में जो हम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लगाते हैं, मतलब न्यू आइटम्स यहाँ पे ऐड करते हैं या फिर कलेक्शन ऐड करते हैं, तो उसका एक लिंक बना सकते हैं हम। और वो लिंक कौन सा होगा? एक तो देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ऑर्डर करना चाहता है, तो जब वो यहाँ से कोई प्रोडक्ट, ये देखें, इसको अगर वो ऑर्डर करना चाहता है ना, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो यहाँ से शॉपिंग जब करेगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वो चीज़ें लेना चाहता है, जो वो यहाँ से मैसेज करेगा ना, तो ये जाता है व्हाट्सएप पे मैसेज, मतलब ये मुझे ही, मैंने अपने खुद को किया भी, मतलब मुझे कोई क्लाइंट आएगा मेरी व्हाट्सएप पे, जैसे उसने ज्वाइन करना हो तो लिंक पे क्लिक कर देगा, और अगर उसने सेलिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी हो तो मुझे चूज़ करके यहाँ पे भेज देगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पे भी वो इस तरीके से ऑर्डर प्लेस करे कि खुद ही ऑर्डर प्लेस कर ले अपना, आप समझ रहे हो मेरी बात, कि आपको वो भेजे ना बल्कि वेबसाइट पर डायरेक्टली चला जाए, उसके लिए फिर मैंने ये देखी कि फिर मैंने कल वीडियो बनाई थी, वो ना लिंक अपडेट नहीं हो रहा था, वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। अब इसमें देखिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ओरिफ्लेम पाकिस्तान प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन ह्यूज डिस्काउंट इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब यहाँ पे जिन जिन प्रोडक्ट्स पे इन द मंथ ऑफ नवंबर डिस्काउंट था, मैंने वो बनाई, लगाई यहाँ पे, और ये सिंपली डायरेक्टली HD पिक्चर्स मैंने कहाँ से ली हैं भला, ये मैंने कैटलॉग ऑफ नवंबर से ली हैं, जो मैंने आपको बताई है ना कि वीडियो से आप HD पिक्चर्स डाउनलोड कर लिया करें। यकीन करें, मुझे कोई पर्टिकुलरली खुद कोई ऐड बनाने की एज सच ज़रूरत ही महसूस नहीं हो, क्योंकि कंपनी खुद बहुत अच्छी एड्स हमें दे रही होती है, ये देखें, ठीक है। तो वैसे तो हम कंटेंट बनाएंगे, जाहिर सी बात है, जो हमें अलग से चाहिए हो, लेकिन यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दी क्योंकि एज इट इज़ बड़ी अच्छी अवेलेबल थी। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके बाद मैंने ये देखी, ये जो लिंक है ना, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगी ना, ये वो लिंक है, मैंने क्या किया, अपनी जो मेरी ओरिफ्लेम पाकिस्तान की जो मेरी पर्सनल खुद की वेबसाइट थी, वहाँ पे भी मैंने यही प्रोडक्ट्स ऐड करके एक लिस्ट बना ली। उस लिस्ट को बनाना सीखना चाहते हैं मेंबर्स, मैंने क्योंकि मेंशन किया था कि अगर आप लोगों को सीखना है कि आप कैसे कर सकते हो, अब ये देखिए उसमें जो जो प्रोडक्ट्स थी ना, मैंने इनके कोड्स लगा के यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। आप पॉइंट समझ रहे हो? अब आज मैं क्या करूँगी कि आज भी, आज की वीडियो में ना, मैं आप लोगों के साथ, मैंने लॉगिन किया हुआ था वैसे, हाँ जी, आपने गूगल पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे oriflamelogin.pk लिखना है, और उसके बाद आपकी इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, आपने माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, ये 3 डॉट 3 लाइंस, उसके बाद माई अकाउंट, उसके बाद आपने जाना है माई बिजनेस के ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको बिजनेस टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके बाद शेयर एंड अर्न का ऑप्शन नज़र आ रहा है। लास्ट वीडियो में ना मैं थोड़ा तेज़ बोल गई थी, मेरी वैसे ही स्पीड होगी, आप लोगों को पता है ट्रेनिंग्स दे दे के कि मैं थोड़ा तेज़ बोल जाती हूँ,
और कुछ उस पर मैंने वॉइस ओवर किया था। आज मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, डायरेक्ट वीडियो अपलोड करूँगी ताकि सबके लिए आसानी हो। अच्छा, जैसे ही मैं शेयर एंड अर्न के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। मैं आपको बताऊँ, अगर तो ऑलरेडी आपने शेयर एंड अर्न टूल को सीखा हुआ है, ग्रेट, ठीक है, कि आप अपना पर्सनल ब्यूटी स्टोर कैसे बना सकते हैं, शेयर एंड अर्न ऑप्शंस की डिटेल्स क्या होती हैं, इनको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, ग्रेट। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक सीखा, तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस बना के डाली हुई है, क्योंकि आज तो मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगी ना, कि मैं जस्ट एक आप लोगों को लिस्ट बनाना सिखाऊंगी ताकि आप अपनी बिजनेस व्हाट्सएप पे उसका लिंक बना सको, लगा सको। सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कहीं पे भी आप वो लिंक अटैच करोगे, कोई भी पर्सन उस लिंक के ऊपर जाएगा, वहां से डायरेक्टली अपना खुद का ऑर्डर पंच कर लेगा। है ना अमेजिंग चीज़। इसलिए मैं चाह रही थी मैं आप लोगों को बताऊं। अब देखिए, मेरे पास ना यहाँ पे पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट का शो हो रहा है, ठीक हो क्या, कि यहाँ पे ऑप्शन है, आपको भी शो होगा, ठीक है। आपने शेयर एंड अर्न पे क्लिक नहीं करना, आपने सिंपली पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हो सकता है आपको लिखा है कि क्रिएट पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, तो आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है ना, इसलिए मुझे ये वाला ऑप्शन आ रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को भी शायद इसी तरीके से है। अब यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ मेरी लिस्ट शो होंगी जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी, जब ये ऑप्शन लॉन्च हुआ था, जब ये टूल एक्चुअली आया था ना, तभी मैंने इसके ऊपर काम भी कर लिया था, और मैंने टीम के साथ वीडियोज़ भी बना के शेयर की हुई है, वो मैं आप लोगों को ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। अच्छा एक मिनट, कुछ ना मैंने यहाँ पे प्राइवेटली रखी हुई है, इनको तो पहले मैं डिलीट करूँ ना, ताकि आज हम न्यू बनाएं। मैं आप लोगों के साथ ना कुछ लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है, साथ साथ, ताकि आप लोग भी लर्न कर लो। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम ना मैक्सिमम 10 लिस्ट बना सकते हैं, और एक लिस्ट में हम 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कोई ऐसी चीज़ जो कि एक्स्ट्रा है ना, ये देखें, नवंबर के मंथ की जो मैंने कल बनाई थी ना, वो वीडियो नहीं सही बन सकी तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, ये देखें। खैर इसको छोड़ें, मैं ना कोई डिलीट करती हूँ। वैसे इस मंथ ना दीवान सिंह फाउंडेशन स्टॉक वो नहीं ना चल रही डिस्काउंट पे, इसको मैं निकाल देती हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से डिलीट लिस्ट। कोई भी लिस्ट हो उसको एडिट कर सकते हो, न्यू बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट रिमूव करनी हो वो कर सकते हो। ये देखें, मैनेज माई पर्सनल ब्यूटी स्टोर, यहाँ से ना आप अपना ब्यूटी स्टोर का लिंक भी भेज सकते हो, किसी को भी भेजना हो, कोई भी आपका कस्टमर हो, कहीं पे भी आपने उसका लिंक अटैच कर सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी। बट वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उस पर नहीं मैं जाऊँगी अभी। यहाँ पे सबसे टॉप पे देखें, ये जो प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि आप न्यू कोई लिस्ट बनाना चाहते हो। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं जाती हूँ जी अपनी गैलरी में, गैलरी में से अभी, क्योंकि मैं इंस्टेंट वीडियो बना रही हूँ तो मैंने कोई ऐसा डील्स बना बना के नहीं रखी हुई। ये देखें, कैटलॉग नवंबर की मैंने पीडीएफ की 80 पिक्चर्स डाउनलोड करके रख ली हैं, ठीक है। अब यहीं से ना फॉर एग्जांपल हम किस चीज़ की बनाएं लिस्ट, प्यारी सी ना, कोई 2 3 प्रोडक्ट्स हों, ताकि जल्दी जल्दी लिस्ट भी बन जाए और हम अच्छे से ना क्या कहते हैं उसको, हाँ मैं करती हूँ मिल्क एंड हनी प्रोडक्ट्स रेंज। ये देखिए मिल्क एंड हनी हेयर केयर सेट, यहाँ पे लिखती हूँ शुरू पे, ओरिफ्लेम पाकिस्तान मिल्क एंड हनी हेयर केयर सेट। अच्छा आप यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से, जारी से बात है, जो आप प्रोडक्ट्स रखोगे ना उसी का आप यहाँ पे वो लगाओगे, मतलब जो भी होता है। अच्छा एक तो ना मैं ना कोई चीज़ कोई इमोजी ना लगाऊँ तो मेरा सेंटेंस एंड नहीं होता, आई एम रियली सॉरी। ओके अच्छा, यहाँ पे देखें, डिस्प्ले ऑन रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स पेज, जारी सी बात है, ये अगर मैं इस तरह कर दूंगी ना तो ये प्राइवेटली मेरी एक वो बनेगी, जबकि मुझे डिस्प्ले करनी है, कोई भी मेरी वेबसाइट पे आए ना तो उसको ये शो हो, ठीक है। इसको ऑन कर देना है, अगर आपके नहीं है ग्रीन कर देना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें ओरिफ्लेम की जो हेयर केयर रेंज है उसके अंदर शैम्पू है, कंडीशनर है एंड हेयर मास्क है, इनके कोड्स हमने सर्च करने हैं। अच्छा मिल्क एंड हनी जो हमारा सबसे पहले ऊपर जो शो हो रहा है, ये देखिए मिल्क एंड हनी गोल्ड हेयर मास्क फॉर रेडियंट सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर। अच्छा इसका कोड जो है ना 35959 है। आपने सिंपली जब प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है ना, तो पेस्ट और टाइप यहाँ पे लिख देना है 3595, हाँ जी 959 ठीक था, मुझे लगा मैं गलत भूल गई। थ्री फाइव नाइन फाइव नाइन सर्च पे क्लिक करेंगे और ऐड टू लिस्ट कर देंगे। ये मास्क ऐड हो गया, 3598 है, हाँ जी 3597 है इनके कोड्स। अब मैं डालूंगी शैम्पू और कंडीशनर, सबसे पहले लिखते हैं शैम्पू का 3597 सर्च, देन ऐड टू लिस्ट,
then next plus 3, 5, 9, 5, 8, 7 आएगा ना मेरे ख्याल। पहले मैंने क्या डाला है, हाँ शैम्पू डाल चुका था मैं, एक मिनट नहीं होगा, जाहिर सी बात है एक को आप एक ही टाइम पे ऐड कर सकते हो ना, 7 करना चाहिए था। 3, 5, 9, 5, 7। अच्छा इन लिस्ट को बनाने का बड़ा फ़ायदा है, देखिए हमारे पास ना अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आके हमें पता क्या कहते हैं, हम अपना ऑर्डर खुद प्लेस करना चाहते हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये क्यों नहीं शो हो रहा वो, आई थिंक मैं कोड गलत तो नहीं लगा रही, 3, 5 कंडीशनर का कोड क्या है, ये शैम्पू का हो गया ना 3, 5, 9, 5, 8, 3, 5, 9, 5, 7। कंडीशनर, सॉरी मुझे लगता है मैं बातों में कुछ ज़्यादा ही वो भूल गई। अच्छा ये अब देखिए इसके अंदर ना, वैसे मैं अगर यहाँ पे लिखती ओरिफ्लेम पाकिस्तान मिल्क एंड हनी रेंज, जैसे मैंने पहले बोला था, तो मैं यहाँ पे आपको पता है मिल्क एंड हनी की हैंड क्रीम भी ऐड कर सकती हूँ, मिल्क एंड हनी का शुगर स्क्रब भी ऐड कर सकती हूँ, जो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब ये बन गई है लिस्ट, लास्ट भी ऑप्शन आएगा सेव का, आपने सेव कर लेना है ठीक है। अच्छा मैं बता रही थी कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपना ऑर्डर खुद प्लेस करें, तो क्या है कि कोई ज़बरदस्ती की मतलब करने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप लिंक बनाएं, इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। अब ये मैंने लिंक कर लिया कॉपी, ये देखिए ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी बिज़नेस व्हाट्सएप पर, फिर मैं बताती हूँ इसका फ़ायदा। अच्छा जी ये तो बनी हुई है ना, अब हम न्यू लिस्ट बनाते हैं ठीक है। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ये देखिए ऐड न्यू आइटम ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ ओरिफ्लेम पाकिस्तान, क्या जल्दी जल्दी लिखो और काम ख़त्म करो ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा यहाँ पे प्राइस मैं वैसे ही 1000 लिख दूँगी, नहीं 1000 तो नहीं आएगा, मैं एटलीस्ट यहाँ पे 2000 तक लिख देती हूँ, क्योंकि वो उन जब बंदा जो आएगा ना उस पर वो जो ऐड लगी हुई उसके ऊपर ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाना है कि यहाँ पे अब क्या लिखूँ मैं, जल्दी जल्दी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मिल्क एंड हनी हेयर केयर सेट, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे ठीक है, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, वो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखनी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे गैलरी में जाएंगे, ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटलॉग नवंबर एंड देन आई विल चूज़ मिल्क एंड हनी वाली एड ठीक है, वो ऑलरेडी बनी हुई है, कंपनी ने बना के हमें दी हुई है ठीक है। बस अभी मैं फ़िलहाल एक ही ऐड कर रही हूँ और मैं सेव पे क्लिक कर दूँगी। अब मैं आपको बता, ओहो मोर फील्ड्स के ऊपर क्लिक करके वो जो लिंक नहीं हम लेके आए वेबसाइट का, वो भी तो ऐड करना है ना, किधर गया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा इसको ना थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में ठीक है, लिंक को भी। अब ये देखिए लिंक का ऑप्शन नज़र आया, ये देखिए आइटम कोड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बस एज सच हम यहाँ पे कोड नहीं लगा रहे अभी, क्योंकि वहाँ पे कोड्स ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे करके ना मतलब जैसे 3, 5, 9, 5, 7 उसका शैम्पू का कोड है, बल्कि अच्छा इस पर एक ही लगा सकते हैं, चलो इसका लगा रहने दें ठीक है, 9, 5, 8 शैम्पू का कोड है। अच्छा खैर कंडीशनर का था, मैं इसको बस जो भी है मैंने सेव कर लिया। अब ये जो लिंक है ना थोड़ी देर में अपडेट होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, बल्कि ये अभी हो गया, कल वाला तो वैसे काफ़ी टाइम के बाद हुआ था, वो वीडियो मेरी वेस्ट चलेगी। अब ये देखें जो भी आपकी बल्कि जो भी क्यों, मैं जाती हूँ अपनी मम्मा वाले अकाउंट पे आप लोगों के सामने, नहीं ये वाला नहीं है ठीक है, मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये है जी मेरा, अब ये कोई और रैंडम बंदा है और मेरी ये अकाउंट पे है ठीक है, सी ऑल पे क्लिक करता है तो उसको यहाँ पे मेरी कैटलॉग शो हो रही है, देखें हाँ देखो उसको अपडेट होने में टाइम लगता है, जो भी आप लिस्ट बनाते हैं मिनिमम भी 24 आवर्स लगते हैं। अब ये देखें कल वाली जो लिस्ट बनी हुई है, इसके ऊपर जैसे ही वो क्लिक करेगा पिक्चर्स तो उसको नज़र आ ही रही हैं, लेकिन अब ऐड टू कार्ट करके कि भेजेगा तो क्या होगा कि व्यू चार्ट पे क्लिक करेगा और यहाँ पे जो प्लेस ऑर्डर करेगा ना तो ये व्हाट्सएप पे जाएगा उसको मैसेज, तो वो बंदा जवाब दे देगा अच्छा आप ऑर्डर करना चाहते हो, क्या ऑर्डर करना चाहते हो, क्या जो भी है। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल वो खुद ऑर्डर करना चाहता हो तो सिंपली जब वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा उसको लिंक मिल जाएगा, और लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वेबसाइट ओपन होगी तो उसके सामने प्रोडक्ट्स शो होंगी, और अगर वो पर्टिकुलरली कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहता होगा तो वो उस प्रोडक्ट को अपने बैग में ऐड करेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा अपना एड्रेस डिटेल सारा कुछ लिख के। लेकिन यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, वो एडवांस पेमेंट करेंगे तो ही वो ऑर्डर कर सकते,
फॉर एग्जांपल, वो ये भी लेना चाहता है, वो ये भी लेना चाहता है, ये भी उसने कर ली, ये भी कर ली, ये तो स्टॉक में नहीं है, ये भी कर ली, उसके बाद ये सामने उसको टॉप पे बैक शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेगा, कैसे वो ऑर्डर प्ले कर सकता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हालांकि इस पर मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो आप लोग देख लेना अगर आप लोग लगा लें कि शेयर एंड अर्न या ब्यूटी स्टोर या जो ये हमारी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, ये यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग वो वीडियोज़ देख लेना। इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अच्छा, जल्दी जल्दी में एक दो प्रोडक्ट ऐड हुई, हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे उसकी ये, अब वो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें उसको ड्रीम डील, अल्लाह मैंने एक मिनट, सॉरी मैंने ना लॉगिन किया हुआ है, मेरी ये वेब वो ऐप ओपन हो गई। अब ये देखें, एक मिनट लॉग आउट करके दिखाऊँ ना, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा ना, मेरा अकाउंट शो हो गया ना, वो तो फिर मेरी ही आईडी से ऑर्डर हो रहा है, सो मैंने कहा ऑफ़र कैसे शो हो सकती है। अगर ऑफर जो जितनी भी ऑफर्स होती हैं ना, वो वीआईपी कस्टमर्स को नहीं शो होती या किसी भी कस्टमर्स को। अब मैं आप लोगों के सामने ये देखिए लिंक के ऊपर क्लिक करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन आपको पता है जब चीज़ें एक्सप्लेन करनी हों और उनको आप साथ साथ कर रहे हों तो वीडियो मतलब लंबी हो ही जाती है, आपने सही बात करनी हो मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करना हो। अच्छा, अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल वो ये ऑर्डर करना चाहता है, ये वाली चीज़ ऑर्डर करना चाहता है, या फिर ये वाला जो है वो बॉडी स्प्रे भी ऐड करना चाहता है, जो जो चीज़ें वो ऐड करना चाहता है वो कर लेगा। उसके बाद टॉप पे जब उसको बैग शो होगा ना, बैग के ऑप्शन पे वो क्लिक करेगा, कंटिन्यू करेगा, अपनी एड्रेस डिटेल्स, अपना जो भी उसका मतलब यू नो पेमेंट मेथड होगा वो चूज़ करके, पेमेंट वगैरह करने के बाद फिर वो अपना जो है वो ऑर्डर कर लेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ ये देखें लिखा आ रहा है ना कि आपके पास कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये वैसे ही है। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगी, अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, प्रोडक्ट शो होने का मैं टाइम भी नहीं मतलब उसको मौका भी नहीं दे रही हूँ। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगी तो मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे कि सबसे पहले आपने कौन सी पिकअप करनी है सर्विस, मतलब आपने ब्रांच से ऑर्डर रिसीव करना है लाहौर वगैरह से, या आपने होम डिलीवरी करवानी, होम करना है तो सारी सी बात है वो एड्रेस डिटेल्स मांगेगा, उसके बाद वो कोरियर डिटेल्स मांगेगा, वो दे देनी है। अब मैं इसको इसका आपको एक और जो है वो तरीका बताती हूँ इसमें कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं करती हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप ना के कोई पोस्ट उसके ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं, लेकिन एक स्टोरी के ऊपर पर्टिकुलरली, मतलब आपको पता है कि आज आपने एक डील बनाई है जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली उन तीनों प्रोडक्ट्स को आप बनाओ लिस्ट में और अपनी उधर लगा लो ओरिफ्लेम की बिजनेस व्हाट्सएप में भी, और साथ साथ आप अपनी स्टोरी पे लगा के लिंक डाल दो। कोई बंदा आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आएगा ना, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी वो ऑर्डर कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप व्हाट्सएप ही यूज़ करो। आपको पता है हम सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये देखिए मैं आप लोगों के सामने स्टोरी लगाती हूँ, किधर गया जी, मैंने गैलरी, हाँ जी। अब यहाँ से कैटलॉग ऑफ नवंबर ओपन करते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की पिक्चर है ना, कैटलॉग ऑफ नवंबर। मैं चाह रही हूँ आप लोग बोर ना हो, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, कैटलॉग ऑफ नवंबर, मैं कहने लगी थी आप लोगों को नज़र आ रहा है कहीं पे कैटलॉग ऑफ नवंबर, सी आर पे क्लिक तो नहीं कर सकते, कैटलॉग ऑफ नवंबर, कैटलॉग ऑफ नवंबर, ये रहा। अब यहाँ से हम वो वाली एड जो है ना उसको शो करते हैं, ये रहा। अभी देखिए कितनी फाइन पिक्चर है ना, एक तो मैंने आज एंड्रॉयड फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आई थिंक गुजारे लाइक है ना, ऐसे कर लेती हूँ। अब यहाँ पे टॉप पे आपको ये जो छोटा सा स्टिकर वाला आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे ऑप्शन होगा लिंक का, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ये देखें यहाँ पे वो लिंक मैं पेस्ट कर दूँगी, डन कर दूँगी, ये जी लिंक आ गया। अच्छा, इसको ना मैं एडिट करके यहाँ पर लिख भी सकती थी कुछ ना कुछ, कैसे होगा, चलो अभी इस फ़िलहाल ना काम ख़त्म करें, जल्दी जल्दी ज़रा हम ना यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय योर फेवरेट वन हियर, ऐसे करके, और नीचे वो जो इमोजी लगा देती हूँ, या क्या मैं एरो भी लगा सकती हूँ, वैसे तो मैं आप लोगों को बल्कि लगा के दिखा देती हूँ यहाँ से ना, फॉर एग्जांपल मैं ये कर देती हूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये करने के बाद मैं एरो लगाती हूँ, ये इधर कर देती हूँ, ये थोड़ा इधर कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगी एरो, आप देखिएगा बड़ा मज़े का, आपको यकीन करें, एक मैं कैनवा यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए, एक दूसरी जो सेकंड चीज़ है ना वो इंस्टाग्राम ही मैं यूज़ करती हूँ, और अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। मैं चाह रही हूँ कि इस तरह का होना जो विजिबल हो, क्योंकि वाइट वाइट और येलो येलो है हमारा वो वाला, ये भी नहीं शो होगा, ये वाला शो हो ही जाएगा है ना, इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा, ये देखो, ठीक है। अब वो बंदे को लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा और वो ऑर्डर कर लेगा। ये सिर्फ आप यहाँ पे नहीं, इस लिंक को आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेस्ट कर सकते हो,
फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपनी अकाउंट से ही मतलब वो आपके ही बीपीज बनेंगे और आपको ही मिलेंगे। और मज़े की चीज़, हम पता क्या करते हैं, जब भी हम क्लाइंट्स को ऑर्डर देने होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारा कस्टमर है यार, हम 20% डिस्काउंट भी माफ़ कर देते हैं, हम ना इसको डिस्काउंट पर ही दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही उस बंदे को पर्टिकुलरली जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया होगा डिलीवर हो जाएगा ना, विद इन 1 वीक आपका प्रॉफिट आपके ओरिफ्लेम ऐप में आ जाएगा। कंपनी मतलब आपको आपका इमीडिएट प्रॉफिट देती है। और इस सारे प्रोसेस को पता क्या कहते हैं, VIP कस्टमर। जो मेंबर्स मुझे पूछ रहे थे, अच्छा मेंबर्स ने ना मुझे पता क्या किया, वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि आप लोग ना मुझे इधर क्या कहते हैं इस पे मतलब मुझे यूट्यूब वीडियो पे आप लोग कमेंट करो। यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करने की बजाय आप लोगों ने सब ने ना क्या किया, बिजनेस व्हाट्सएप पे आके सबने मैसेजेस करने शुरू कर दिए। अच्छा एक मज़े की चीज़, मैंने जब से बिजनेस व्हाट्सएप सेट किया ना, एक तो पहले बड़ा गंद मचा हुआ था, 100-100, 200-200 चैट्स होती थी और मेरा दिल ही नहीं करता था। और ऐसी मिसमैनेजमेंट थी ना ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मेरा दिल करता नहीं था काम करने को। जिसने मैंने बिजनेस व्हाट्सएप बनाई है, एक तो सारा कुछ क्लियर हो गया, जितनी चैट्स आती हैं मैं जब मोबाइल उठाती हूँ सबको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच हैपन्ड विद मी। और मैं हर ग्रुप चेक कर रही हूँ, हर चैट को मैं टाइमली रिप्लाई कर रही हूँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब शायद कहते हैं कि चीज़ें न्यू होती हैं, या आप जब काफ़ी देर बाद यू नो इंटरेस्ट लेके काम करना शुरू करते हो तो मज़ा आता है। यू नो मुझे वैसे भी नए नए टूल्स सीखने का और वो करने का बड़ा शौक है। हालांकि काफ़ी लीडर्स हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, ठीक है, आई एम द ओनली वन, मेरी सीनियर को भी इन चीज़ों का नहीं पता होगा, मतलब कुछ सीनियर्स को, नॉट एवरीबडी, आई एम नॉट यू नो पर्टिकुलरली मैंशनिंग एनीबडी यू नो। बट आप लोगों को बस ये कहना चाहूँगी कि चीज़ें सीखा करें और उनको इम्प्लीमेंट किया करें। अब इतना दौर जो है वो आगे चला गया, हर बंदा जो है वो, हर वेबसाइट जो है वो उसने बनाई हुई है और वहाँ से लोग ऑर्डर्स पंच करें, भाई हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब हमारा भी तो होना चाहिए ना कि हम जब हमारे पास कंपनी हमें ये टूल्स दे रही है, बनी बनाई वेबसाइट्स दे रही है, बने बनाए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, तो हम क्यों ना करें उनको यूटिलाइज़, ठीक है, ताकि हम भी प्रोफेशनल लगें। सो आई थिंक सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अच्छा एक मज़े की चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गई कि यहाँ पे ना हर दफ़ा आप अपनी जो कैटलॉग में जो जो लिस्ट होती हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हो, डिलीट करके नई भी बना सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। अब ये देखिए इस पर टाइमर लगा हुआ है ना, ये कुछ देर में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा प्रोफेशनल होने की कोशिश करो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम की तरफ आऊँगी, फिर टिकटॉक की तरफ, मतलब जो जो चीज़ें मुझे लगेगा ना कि मैं अब इन चीज़ों में परफेक्ट हूँ मैं करने की कोशिश करूँ। एक चीज़ बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप लोग ना आप एडिटिंग की वीडियो बना दें, एडिटिंग की वीडियो बना दें। इंशाल्लाह मैं ना, वैसे मेरी काफ़ी लीडर्स ने बनाई हुई है, लेकिन मैं कैनवा यूज़ करती हूँ और कैनवा ही बहुत ज़बरदस्त ऐप है। जब से मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया ना, तो मैक्सिमम मैंने अगर कोई एडिटिंग ऐप यूज़ की है ना, वो मैक्सिमम टाइम वो है कैनवा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी फ्री में कैसे आप कैनवा से एडिटिंग कर सकते हो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाऊंगी। खैर अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो नीचे, ताकि मुझे खुशी मिले, मेरे अंदर कोई मोटिवेशन आए, एनर्जी आए, मैं न्यू वीडियो बनाऊं, ठीक है। होपफुली अगेन आप लोगों के लिए वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल ही रहेगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।